सर्च कीजिए यूनिक एडवाइस मास्टर को, और रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, और पास ही में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, यूनिक एडवाइस मास्टर में मैं साहिन आप सबका होस्ट स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी बॉडी आर्मर जैकेट को मतलब बॉडी में लगा रखे हैं। दोस्तों, ये कोई मामूली जैकेट नहीं है, ये है बॉडी आर्मर जैकेट। जिस तरह हेलमेट प्रोटेक्ट करता है आपके हेड को, उसी तरह बॉडी आर्मर जैकेट प्रोटेक्ट करता है आपके बॉडी को। तो दोस्तों, ये बॉडी आर्मर जैकेट जो है, खास करके इसको बॉडी का हेलमेट भी आप बोल सकते हैं। आज मैं देने वाला हूँ इसका डिटेल्ड रिव्यू। दोस्तों, आपके टाइम बहुत ही कीमती है, तो चलिए वीडियो को टाइम वेस्ट के बिना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे पास है एक बाइकर्स जैकेट, जो कि कोई मामूली बाइकर्स जैकेट नहीं है, ये है बॉडी आर्मर जैकेट, जो कि खास करके बनाया गया है बाइकर्स के लिए। दोस्तों, जैसे हम हेलमेट पहनते हैं हमारे हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही बॉडी आर्मर प्रोटेक्ट करता है आपके बॉडी को। और दोस्तों, ये बाइकर्स बॉडी आर्मर जो जैकेट है, आपको ऑनलाइन पर अमेजोन पे मिल जाता है 1650 रुपीज में, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे दिया है, आप अगर परचेस करना चाहे तो उस दिए हुए लिंक से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम में से जितने भी सारे लोग बाइक चलाते हैं नॉर्मली, सभी सोचते हैं कि चलो हमने हेलमेट पहन लिए, हमारे हेड प्रोटेक्टेड है, तो हमें कोई खतरा नहीं है जितने भी भयानक से भयानक एक्सीडेंट हो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मतलब इंसानों की शरीर में, माथे को छोड़कर भी बॉडी में भी ऐसे बहुत सी सारे जगह है जहाँ पर मतलब चोट आने से इंसानों की मौत हो सकती है। जैसे सोचिए, लिवर का पोर्शन है, या फिर चेस्ट में हार्ट जिस तरफ रहता है इस पोर्शन में, या फिर लंग्स रहता है, और यहाँ पर पीछे स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है, इन सारे जगहों पर अगर ज़्यादा चोट आए तो इंसानों की मौत हो सकती है हेलमेट पहनते हुए भी, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी आर्मर जैकेट जो बना हुआ है, खास करके उन सारे जगह को प्रोटेक्शन देने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉडी आर्मर जैकेट को आपने पहन लिए, जितने भी भयानक से भयानक एक्सीडेंट करें आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। दोस्तों, नसीब में अगर हो तो एयरबैग रहते भी कार में इंसानों की मौत हो जाती है, ठीक है। तो बॉडी आर्मर जैकेट क्या चीज़ है, लेकिन बॉडी आर्मर जो जैकेट है, सोचिए कहीं पर अगर एक्सीडेंट हो गए तो यहाँ पर आपको मतलब जो इंजुरी आ सकती थी उसको आने का चांसेस कम रहता है। तो बॉडी आर्मर जैकेट को मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मैं जब लॉन्ग जर्नी पे चलता हूँ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के दूरी पर, या फिर उससे भी ज़्यादा, तब इसको पहन के चलता हूँ, ठीक है। हो सकता है सेफ है, लेकिन इसका जो मतलब पहनने के बाद आपको जैसे लगेगा, मतलब लोग देखकर मतलब डर सकती है, आपको एक दूसरे ग्रह के प्राणी जैसे लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी आर्मर जो जैकेट है, इसको मैं डिटेल्स में दिखाता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर बॉडी आर्मर जो जैकेट है, इसमें आपको सामने इस तरफ इस मिल जाता है, सामने की तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो चेस्ट गार्ड, जो कि एक हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है, को साइड में इस तरफ में भी और इस तरफ में भी मिल जाता है मॉन्स्टर का सिंबल, ठीक है, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक देता है जैकेट को। और इस तरफ में आपको यहाँ पर मिल जाता है एल्बो गार्ड, ठीक है, और साथ ही साथ आर्म के ऊपर के जो पोजीशन होता है यहाँ पर, उसका भी गार्ड होता है, इस तरफ में भी सेम है, ठीक है। जैकेट का जो चेन होता है जैसे, तो यहाँ पर जैकेट का चेन दिया रहता है, इसको आपको खोल कर आपको जैकेट को पहनना होगा। और यहाँ पर आपको वेस्ट का एक मोटा सा कपड़े का बेल्ट दिया है, जिससे आप वेस्ट में टाइट से मतलब जैकेट को जो है उसको टाइट से फिट कर सकते हैं आपके मतलब कमर में, ठीक है। छोटा बेल्ट भी दिया जाता है टाइट से आपका जो जैकेट है आपके बॉडी के साथ मतलब पकड़ के रखने के लिए। और यहाँ पर साइड में भी एक बेल्ट दिया जाता है, जो कि आपको मतलब पहनने के बाद जब आप एल्बो गार्ड जो है उसको आपके हाथ के एल्बो के अनुसार मतलब एडजस्ट करेंगे इसको, बस आप ये जो है इस चीज़ से आपको यहाँ पर ऐसे मतलब घुमा के इसको टाइट कर देना है, ठीक है।
टाइट करने से आपका जो एल्बो का पोजीशन में जो गार्ड रहेगा वहाँ से मतलब हिलेगा नहीं, ठीक है। और जैसे आप देख सकते हैं ट्रिपल एक्सेल का साइज में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप एक्सेल साइज में, डबल एक्सेल साइज में भी आपको मिलता है ऑनलाइन में। आप चाहे तो जिस साइज के अनुसार आपका मतलब जैकेट का जो साइज होता है उससे थोड़ा मतलब बड़ा साइज भी लेंगे या फिर छोटा साइज भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है, ठीक है, पूरा स्ट्रेचेबल है। पीछे की तरफ से मेरा हाथ दिख रहा है, पूरा नेट टाइप दिया हुआ है, ठीक है। मतलब पूरा जो जैकेट है पूरा नेट से बना हुआ है, नेट जैसी कपड़ा से। मेन चीज़ आता है दोस्तों पीछे की पोर्शन में, देखिए यहाँ पर जो दिया रहता है स्पाइनल कॉर्ड गार्ड, यही सबसे अट्रैक्टिव लुक देता है इस जो जैकेट है। दोस्तों जैकेट वाकई में काफ़ी हद तक सेफ है, लेकिन इसको पहनने में शायद आपको थोड़ी मतलब हंसी आए, क्योंकि इसको पहनने के बाद आपका लुक थोड़ा और दिखेगा ज़रूर। ये अगर आप लोकल में जर्नी करते हैं तो इसको पहनने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग मतलब सोचिए हाई पिकअप बाइक को लेकर लॉन्ग जर्नी पर चलते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, उनके लिए ये जैकेट काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड गार्ड है दोस्तों पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, मतलब काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है। तो जब ऐसे कर रहा हूँ उंगली हट हो रही है, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। तो आप अगर कोई सोचिए कि चाहते हैं कि सिर्फ सामने की पोर्शन लगाने के लिए, अगर चाहते हैं कि आप मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड गार्ड है उसको लगाना नहीं चाहते, तो यहाँ पर चेन दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको अलग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों साइड में चेन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेन है इसको आप ऐसे मतलब यहाँ से खोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर चेन को जैसे जैकेट का चेन होता है ना, वैसे ही चेन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको बस अलग करने के लिए यहाँ पर देखिए पीछे की पोर्शन से एक बेल्ट लगा के रखा है, तो इस बेल्ट को भी अलग करके आप जो मतलब ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड गार्ड है इसको पूरा अलग कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो बॉडी आर्मर जैकेट है, मैं अभी इसको पहन के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जैकेट में जैसे चेन होता है, बॉडी आर्मर जैकेट में भी जैसे चेन है, तो चेन को पहले आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर चेन जो है इसको पहले ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पर इसको मतलब जैसे जैकेट पहनते इसको ऐसे ही ऐसे पहन लिया, ठीक है। पहनने के बाद आपको बस जो चेन है चेन को लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। चेन को ऐसे मैंने लगा दिए, तो यहाँ पर ये जो खुल गया है इसको मतलब खुल भी सकते हैं या फिर चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही मैंने थोड़ा सा लगा के रख दिया, ठीक है। इसको आपको बैग में जैसा मतलब लगाते हैं ना, मतलब ऐसे बेल्ट को वैसे ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर और एक बेल्ट दिया है, इसको पहले लगाने से पहले आपका जो एल्बो है, एल्बो गार्ड को आपको एल्बो की तरफ सेट कर लेना है, ठीक है। और ये है आपका ऊपर का मतलब आर्म के ऊपर का पोर्शन का गार्ड, ठीक है। ये इस तरफ भी है, ये मैं आपका जो वेस्ट का एक बेल्ट है, मतलब वेस्ट बेल्ट का काम है आपके नीचे के पोर्शन को टाइट के पकड़ के रखें। उसके बाद यहाँ पर और एक कपड़े का बेल्ट दिया हुआ है, इसको भी आपको ऐसे इस तरफ और इस तरफ में आपको ऐसे लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर एक बेल्ट दिया हुआ है, इसको आप चाहे तो लगा भी सकते हैं चाहे तो खोल के भी रख सकते हैं। इसको लगाने से क्या होगा, इसको बस लगाने से आपको ये मतलब ये जो चीज़ है यहाँ पर टाइट हो जाएगा, इस तरफ घूम के नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप वैसे ही लगा सकते हैं, तो इसको भी यहाँ पर हमने लगा दिए। तो ये हो गया बॉडी आर्मर जैकेट फिट। तो सोचिए दोस्तों अभी एक्सीडेंट के वक्त अगर कोई ऐसे करके रोड के ऊपर पड़े, तो यहाँ पर जो चेस्ट गार्ड है इसके दौरान वहाँ पर ज़्यादा चोट उसे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ है दोस्तों, ये वाला चीज़ मैं पावर बैंक ऐसे ही कर रहा हूँ, ये जो पावर बैंक है देख सकते हैं काफ़ी हद तक मतलब हार्ड है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हथौड़ा से भाई मतलब कॉन्स्टेंटली मारता रहूँगा तो टूटेगा नहीं, वो तो हेलमेट भी टूट सकता है, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक जो ये वाला जो चीज़ है काफ़ी हार्डनेस है इसमें, ठीक है, काफ़ी हार्ड है। और नीचे की तरफ स्पॉन्ज जैसा कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पर जो मॉन्स्टर का साइन दिया हुआ है ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देता है आपको। और दोस्तों ये हो गया सामने की पोर्शन, यहाँ हो गया आपका एल्बो गार्ड आपका, ये इस पोर्शन में आपका हो गया एल्बो गार्ड पूरा, ठीक है। यहाँ पर मतलब आर्म के ऊपर का गार्ड और यहाँ पर चेस्ट गार्ड, और पीछे देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पर आपका जो स्पाइनल कॉर्ड गार्ड, काफ़ी हद तक हार्ड है दोस्तों, ठीक है, काफ़ी हार्ड है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं नॉर्मल जो बॉडी जैकेट होता है बाइकर्स के लिए, उसको पहन के अगर कोई एक्सीडेंट करे जितना मतलब चोट आएगा, इसको पहन के एक्सीडेंट करने पर उससे
चोट कम आएगा, इसका मैं एब्सोल्युटली गारंटी देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा हादसा हो फिर भी कुछ ना हो। दोस्तों बड़ा हादसा हुआ तो ये भी कुछ काम का नहीं आएगा, जैसे हेलमेट भी रहते भी इंसान का जान चले जाती है, ठीक है, जैसे फोर व्हीलर पर एयरबैग रहते हुए भी इंसानों का एक्सीडेंट के बाद जान चली जा सकती है अगर उनका नसीब खराब रहा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए सेफ ड्राइव कीजिए। और दोस्तों बाइकर जो फ्रेंड है हमारा, उनसे हमारा दरखास्त है कि आप सेफली राइड कीजिए बाइक को। जय हिंद, जय भारत।